बोकारो के चंद्रपुरा में दामोदर वैली कॉरपोरेशन चंद्रपुरा विद्युत केंद्र में रेक अनलोडिंग के दौरान पाइप फटने के कारण सैकड़ों लीटर फर्निशिंग ऑयल प्लांट के अंदर बने पानी के नाले होते हुए नदी में जा मिला, जिसके कारण बोकारो से लेकर झरिया तक दामोदर नदी पर निर्भर रहने वाले हजारों लोगों के पीने का पानी खराब हो गया और लोग पीने के पानी से वंचित हो गए। लोगों की जान खतरे में पड़ गई, क्योंकि रोजमर्रा के जिंदगी में लोगों के द्वारा दामोदर नदी का ही पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पशु पक्षी की भी जान आफत में आ गई है। डीवीसी का फर्निशिंग ऑयल दामोदर नदी के पानी में जा मिला, जिसके कारण लोग दामोदर नदी पर निर्भर रहने वाले हजारों लोगों को पीने के पानी से वंचित रहना पड़ गया है। लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिसे दामोदर नदी से पानी सप्लाई की जाती है। वहीं इस मामले में प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी आरएल चौधरी का कहना है कि डीवीसी के लापरवाही के कारण नदी का पानी प्रदूषित हो गया है, जो पीने लायक नहीं रहा। पानी सप्लाई को रोक दिया गया है। इसी के कारण जांच करने आए आरएल चौधरी ने यह भी कहा कि इसकी पूरी रिपोर्ट राज्य प्रदूषण बोर्ड को दे दी गई है और रिपोर्ट तैयार कर सौंप दिया जाएगा और पर्यावरण कानून के हिसाब से डीवीसी प्रबंधन के ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी। जिनके लापरवाही से दामोदर नदी का पानी दूषित हुआ है, नदी के पानी का सैंपल लेकर राज्य प्रदूषण बोर्ड को भी भेज दिया जाएगा। रैक था, तो रैक जो हम लोग जो सीवरेज होता है अनलोडिंग के समय, उनका सम्प बना हुआ है। सम्प में जो पाइप लगा हुआ है, पाइप के थ्रू सम्प में जाता है सीवरेज वाला, तो वो पाइप जो है इनका लीकेज हो गया जो सम्प में जाता है, लेकिन वो इमीडिएट बंद कर दिए गए। उस समय बंद कर दिया इन्होंने, लेकिन जो पानी के साथ ड्रेन के साथ जो है वो आया, वो अभी जो है वाइल है, वाइल जो है सीधे जाके नदी में जाके मिल गया। वहीं इस मामले में डीवीसी के अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। वहीं इस मामले को जिला के अधिकारी संज्ञान में लेकर जांच में जुट गए हैं। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता सत्येंद्र गिरी ने डीवीसी के अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे से भागते नजर आए। आप देखे किस प्रकार से संवाददाता के द्वारा जब सवाल जवाब किया जा रहा है तो अधिकारी कैमरे से कैसे भाग रहे हैं। इससे डिटेल अगर आप लोगों को जानना चाहिए एचओपी। अच्छा सर, सुनिए ना सर, हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। तेल का फ्लो कैसे हुआ सर, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। आप लोग डिटेल बता पाएंगे उनका पास। न्यूजलैंड के लिए बोकारो से सत्येंद्र गिरी की रिपोर्ट। न्यूजलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है